देखो जनरली होता क्या है, हम लड़की से मिलते हैं, बातें होती है, जब हम लड़की से उसका नंबर मांगते हैं तो वो देने से साफ इनकार कर जाती है। लड़का परेशान हो जाता है, यार कितना बढ़िया बात कर रही थी, नंबर देने में क्या प्रॉब्लम है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तुम्हारी नज़र में शायद तुम बढ़िया बात कर रहे थे, लेकिन लड़की अगर नंबर नहीं दे रही है तो इसका मतलब है तुम लड़कियों की साइकोलॉजी में तुम अच्छी बात नहीं करते हो। अबे अच्छी बात कैसे करते हैं हम, लड़कियों की साइकोलॉजी में अच्छी बात मतलब जिस बात का कोई डायरेक्शन हो। तुम्हें इंटरेस्टिंग बात करना आना चाहिए, लड़की का इंटरेस्ट पकड़ना आना चाहिए, तुम्हें उसके फायदे की बात करना आना चाहिए, जिस बात में लड़की का फायदा हो। लड़की तुम्हें तभी नंबर देगी जब उसे लगे कि तुम आगे उसके काम आ सकते हो। एक नॉर्मल लड़का पहले मुलाकात में अपने सारे राज खोल देता है, लड़की जब सब कुछ जान जाती है और कुछ जानने के लिए नहीं रहता, वो दोबारा क्यों मिलना चाहेगी, नंबर तो भूल ही जाओ। कुछ बेवकूफ तो पहली मुलाकात में लड़की को प्रपोज कर देते हैं, लड़की ऐसे चुतियों से जान छुड़ाकर भाग जाती है, नंबर घंटा देगी। अगर तुम लड़की के दोस्त हो या दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें लड़की के दिमाग को पढ़ना आना चाहिए कि वो क्या सोच रही है, उसके चेहरे के भाव से अंदाजा लगाना आना चाहिए कि उसका मूड कैसा है, क्योंकि लड़की तुम्हें कभी खुलकर नहीं बताएगी कि वो क्या चाहती है। लड़की तुम्हें ना कहकर तुम्हारा टेस्ट लेती है, वो कोई भी बहाना बनाकर तुम्हें ना कहेगी। लड़कियां खुद चाहती है कि कोई उनका नंबर मांगे और वो ना कह पाए, वो चेक करती है तुम उसकी ना पर क्या रिएक्शन देते हो, वो तुम्हारी काबिलियत परखती है ना कहकर। लड़कियां थक चुकी होती है नंबर दे देकर। लड़कियां कहती है सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कोई लड़का अलग एक्टिविटी नहीं करता। लड़की का नंबर मिलते ही उसे परेशान करने लगते हैं। लड़की प्यार भरी बातें करते करते थक जाती है। ऐसे सिचुएशन में कोई दूसरा लड़का उससे अलग मामले में बात करता है तो लड़की उसकी दीवानी हो जाती है। लड़की फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो तुम्हें नंबर नहीं देगी। अगर लड़की इंटरेस्ट ना दिखाए तो वहां से जल्दी से निकल लो, फालतू बातों में अपना वक्त जाया मत करो। अगर पहले एक दो बातों में लड़की लाइट ना हो तो बात ना करना ही समझदारी है। नंबर मांगकर अपने इमेज खराब मत करो, नंबर मांगने से पहले देख लो उसका मूड पहले से खराब तो नहीं है, हो सकता है वो किसी का गुस्सा तुम पर उतार दे। नंबर मांगने से पहले एक बार चेक कर लो। लड़कियों का एक ग्रुप मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी, मैंने उनसे बात किया, बातों बातों में उन्होंने कहा उनको सवेरे उठने में बहुत तकलीफ होती है। सो मैंने कहा मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, आप अपना नंबर दे दो, मैं सवेरे आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। मैं लड़की से बात करता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ, जब वो कुछ पूछती है तो मैं बता टाइम नहीं है, नंबर दो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जब लड़की मेरे बारे में पूछती है मैं बताता हूँ कि मैं फलानी कंपनी में काम करता हूँ। तुम्हें अगर बाहर की सिटी में जॉब मिले क्या तुम्हारे पेरेंट्स परमिशन देंगे बाहर जाकर जॉब करने के लिए? देखो मैं इसमें सीधे सीधे लड़की से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, अगर लड़की हाँ कहे या ना कहे, अगर इंटरेस्टेड है तो मैं कहता हूँ अपना नंबर दो, वैकेंसी रहेगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। मैं लड़कियों से कहता हूँ मैं घूमने जाता हूँ, पार्टी वगैरह करता हूँ, लड़की इंटरेस्ट दिखाती है तो मैं कहता हूँ अपना नंबर दो, नेक्स्ट टाइम कहीं गए तो मैं मैसेज कर दूंगा या कॉल करूंगा। मैं कहता हूँ मेरे पास पार्टी के तो फ्री पास है, फूड फ्री है, कपल जाना है इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, अपना नंबर दो मैं कॉल करूंगा। मैं लड़की से कहता हूँ मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल है, व्हाट्सएप नंबर दो मैं सेंड करता हूँ। देखो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, इसे फॉर्मूला पकड़ पा रहे हो? कौन सा एग्जाम तुम्हें सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बताओ। अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई बढ़िया एग्जाम्पल चल रहा है तो वो भी कमेंट करो। लड़की की जरूरत, इंटरेस्ट, फायदा, ये तीन चीज याद रखो, ये तीनों चीजों पर लड़की कभी ना नहीं कहती।